जीपीटी स्टोर से पैसा बनाया सकता है कि नहीं बना सकते, वो क्लियर नहीं था। डिबेट चल रहा है। आई एम वेरी श्योर कि उससे पैसा बना सकते, क्योंकि जीपीटी प्रोटेक्टेड है कि नहीं वो मुझे डाउट था कि प्रोटेक्टेड है क्या ये। तो उसमें एक ऑप्शन है डोमेन ओनली, मतलब तुम्हारा अगर वेबसाइट रहेगा abc.com तो उसके कॉल्स पे ही जीपीटी एक्सेस होगा, तो कोई ऐसा यूज़ नहीं कर सकता वो। तो इसमें तुम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वेबसाइट बनाओगे और वेबसाइट से एक्सेस करोगे जीपीटी और वो रिज़ल्ट देगा। ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि लोग इसमें लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, 5 लाख 10 लाख साल का, और वो लोग ने उसके लिए कोई कोडिंग भी नहीं की, 2-3 घंटे में वेबसाइट बनाया। दिस इज़ द मेन अमेजिंग थिंग, क्योंकि अगर तुम ये सॉफ्टवेयर कोडिंग करके बनाते हो तो लाइक 6 महीना 1 साल लगेगा। तो PDF टू AI का मैंने बताया कि PDF 50 पेज का PDF है, किसके पास टाइम है उतना पढ़ने का, तो वो PDF अपलोड करेगा, AI समराइज करेगा, मेन पॉइंट्स तुमको बताएगा, तुम उसको क्वेश्चन पूछोगे वो स्पेसिफिक आंसर देगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का डिफ़िकल्ट रहता है, और लेकिन ये इससे आसानी से होता है। तो PDF टू AI सबसे ज़्यादा गूगल सर्च हुआ और उसका रेवेन्यू भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। तो उसने जिसको बनाने के लिए 1 साल लगेगा कम से कम, उसको कस्टम GPT बना के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके वैसा साइट बनाया PDF टू AI, और पैसा कमा रहा है $1 लाख नहीं 5 लाख 7 लाख डॉलर साल का API कॉल करके। दिस इज अमेजिंग पार्ट। और ये लोग का चल रहा है कि रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा यूसेज पे, कस्टम GPT जितना यूज़ होगा यूज़र के साथ शेयर होगा। इसका मतलब क्या, जो कस्टम GPT यूज़ करेगा उसको यूज़र को भी सब्सक्रिप्शन लगेगा प्रीमियम, तो इधर थोड़ा गड़बड़ है। बट कस्टम GPT अगर वेबसाइट से कॉल करते हो तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा, और इससे तुम सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हो जो लोग खरीदेंगे, और तुमको एक रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा। और एक इनका चल रहा है टीम GPT, जिसमें कंपनी का डेटा तुम अपलोड करोगे और वो डेटा वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग के लिए, वो तुम्हारा पर्सनल रहेगा, और फिर उससे रिपोर्ट बनेगा फटाफट, और इनसाइट एनालिसिस। अभी कंपनी रहता है उसके पास IT का टीम रहता है जो बेसिकली मैनेजर बॉस को रिपोर्ट देता है कि अरे सेल्स किसका घटाया है, कम हुआ है, इसका रिपोर्ट दे, उसका रिपोर्ट दे, एक्सपेंस रिपोर्ट दे। तो वो मैन्युअली कोडिंग करना पड़ता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। ये सब काम ChatGPT से हो जाएगा, ये एक बड़ा बात हो गया, उससे काफ़ी काम बच गया, और जैसा चाहिए वैसा रिपोर्ट मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो कंपनी का तो काम ही ख़त्म हो गया, रिपोर्ट का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। तो ये काफ़ी एक बड़ा चीज़ है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स है
वो हो जाएंगे। स्कोर तो सब वही लिख के देता है, डेटा एनालिसिस भी वही करता है। मैंने इथेरियम ट्रैकर बनाया था, सारे एक्सचेंजेस के इथेरियम एड्रेस मॉनिटर कर रहा था कि अगर एक्सचेंज में ज़्यादा इथेरियम डाल दिया तो भाव गिरने वाला है और गिरेगा ऊपर जाएगा उस पे बेस पे था। उसके लिए कितना तो कोडिंग लगा, 4-5 दिन लगा रहेगा। और बड़ा का बड़ा कोड था, रिएक्ट और नोड जेएस में बनाया था। तो अगर सिमिलर सॉफ्टवेयर अभी मैं बनाने जाएगा, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा एक घंटा चैट जीपीटी से, तो इतना फर्क पड़ता है। सारा कोड वही लिख के देगा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा, अपलोड करेगा। अभी ये नया रेवोल्यूशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ये बढ़ेगा, ऐसा आई एम वेरी मच श्योर कि ये बढ़ेगा काफ़ी और एक रेवेन्यू स्ट्रीम होगा नए डेवलपर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को।